सदा गणेशेनाधिकायेता वृद्धभूयाश्च षोडशा श्रीलक्ष्म्यधृमेधा स्वाप्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्यभूयन्ते सप्तैताभिधमातरः ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्धकारी भानुशशि भूमिसुतो पुरश्च गुरुश्च शुक्रासनि राहुकेतवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः षोडश मातृकेभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि बोलेंगे अनेन कृतेन पूजनेन गणपत्यादि सहित षोडश मातृकेभ्यो नवग्रह देवताभ्यो प्रियंताम् नमः हर हर महादेव। ये देखिए बाबा का जो आपको वीडियो डालो शिव शंपर और ये संतान अकुशलों के लिए और आज देखिए इनका लावा भी है। हम जो भी पूजा करवाते हैं हवन निश्चित कराते हैं कि हवन करने से क्या होता है आपको फल मिलना चालू है। देवताओं को खाना दिया जाता है, जब हम लोग दाल चावल रोटी खाते हैं तो देवताओं को हवन करने का बहुत बड़ा फल मिलता है, तो ये हवन कराने का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये देखिए हवन करा दिया, अब जिस ब्राह्मण से करा उस ब्राह्मण को दक्षिणा दिलाई जनमान से, वो आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद में हम लोग चावल देते हैं, उसी चावल का खीर बनाकर खाते हैं, वही भगवान आपको वरदान देता है। तो आपको कोई पूजा कराना हो तो मुझे संपर्क कर, हर हर महादेव।